अब हम इनवर्टिब्रेट्स uh, के अंदर भी एग्जोसटेंड है और ये असल में ये एग्जोस एज सच तो इकानोडर्म्स में ही है इकानोडर्म्स में जैसे हम जिक्र करेंगे और uh, क्योंकि नेक्स्ट फिर कॉर्डेट्स आ जाते हैं तो कॉर्डेट्स के अंदर भी एंडोस्केलेटन है और इन इकानोडर्म्स के अंदर इसलिए ये बहुत दैट्स वाई दीज इकानर्म्स दे हैव बीन प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द This is due to the endoskeleton. This is due to the endoskeleton. But but this early animals which are the poriferans, which uh, belongs to the animals which belong to the phylum Porifera. This which, uh, which are sponges, which are sponges. These are the you can may, you may call it as the first uh, phylum as the first phylum of invertebrates. जिसके अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद है और ये एंडोस्केलेटन एक नॉट इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर बल्कि इसके अंदर बड़ी वैरायटी है इसके अंदर uh, बिल्कुल जैसे बारीक बारीक सिलाइयाँ हैं द स्मॉल पीसेस जो कि मिल के फिर एक सपोर्टिव uh, स्ट्रक्चर बनते हैं फॉर दीज एनिमल्स ये एनिमल्स जो हैं ये सिसाइल हैं दे आर फिक्स्ड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस अदर दे आर इनके अंदर मोबिलिटी एज सच नहीं है फ्रॉम वन प्लेस टू लेकिन दे डू हैव द सपोर्ट और ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम स्पिक्यूल्स कहते हैं ये स्पिक्यूल्स हैं जिसके अंदर बड़ी वराइटी है कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट हैं ये भी स्ट्रेट है ये देखें सी शेप्ड है ये है ट्राई रेडिएट हैं टेट्रा रेडिएट हैं पेंटा रेडिएट हैं और कुछ स्टार शेप्ड हैं तो ये तमाम अगर हम इन एनिमल्स को खासतौर पे स्पॉन्जेस को अगर अगर हम किसी फाइन कपड़े में से स्क्वीज कर दें तो ये जो तमाम ये जो स्पीक्यूल्स है तो ये कपड़े के ऊपर रह जाएंगे या फिनाल के ऊपर रह जाएंगे बाकी तमाम सॉफ्ट टिश्यू जो है वो छन के नीचे चला जाएगा और ये सारे के सारे इन स्पीक्यूल्स को हम बड़ी आसानी से फिर माइक्रोस्कोपिक के लिए देखें ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है वी कैनॉट सी दीज स्ट्रक्चर्स विद अवर नेकेड आई इसे माइक्रोस्कोप के अंदर बकायदा स्लाइड्स बनानी होगी खास तरीके से तो फिर ही हम इनको देख सकते तो so uh, भी होते हैं और uh, ये वी कॉल दम एज द स्पिक्यूल्स और uh, ये सपोर्ट करते हैं को या जैसे हम दिस इज निकानिकान में स्टारफिश आती है और इसके आपको पता है कि दरफ फाइव यू कैन से द आर्म्स उस एक आर्म को कट करके सेक्शन में दिखाया गया है और इसके अंदर दरमियान में ये क्योंकि ये तमाम पांचों के पांचों आर्म्स का जो एक यू समझें कि हब है हर चीज का स्ट्रक्चर वो नीच दरमियान में है दरमियान में है तो ये एक आर्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसके अंदर हर आम के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं और स्किन ल्स भी हैं और सीलोम uh, भी एक सेंट्रल पार्ट में आती है कैलकेरियस प्लेट्स हैं दीज आर द कैलकेरियस प्लेट्स विच आर इन फैक्ट विच आर द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इसे ही दरअसल हम एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं और uh, ये आपको पता है कि वाटर जो है वो एबओरल सर्फेस से एंटर होता है और फिर सर्कुलर पहले वो माउथ में जाएगा फिर सर्कुलर कैनाल्स में जाएगा फिर हर सर्कुलर कैनाल में से फिर रेडियल कैनाल्स में जाएगा और उस रेडियल कैनाल के, के साथ फिर ये दीज आर दी एम्पुली जिसे हम ट्यूब फीट कहते हैं जिसे हम जब लोकोमोशन की बात करेंगे तो इसका फिर हम दोबारा जिक्र के लेकिन यहाँ पे हम सिंपली एंडोस्केलेटन पे फोकस कर रहे हैं तो ये एंडोस्केलेटन है विच आर दी ऑसिकल्स विच आर द ऑसिकल्स जो इस एनिमल को सपोर्ट करता है तो ये एंडोस्केलेटन ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की है ज़्यादातर बनी हो इफ वी कैन कॉल इट द बोनी स्ट्रक्चर लेकिन ये बहरहाल एंडोस्केलेटन इट इज इंटरनल फ्रेमवर्क बॉडी बाहर कोई ऐसी चीज स्ट्रक्चर नहीं है एंडोस्केलेटन का इट इज एंडोस्केलेटन इट इज विदीटली डिस्कस्ड द्स जिसमें शुरू में हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन फिर एग्जोस्केलेटन फिर एंडोस्केलेटन तो ये अब वर्टिब्रेट्स में आके अब हम बाकायदा जिक्र करेंगे अबाउट द कार्टिलेज एंड देन द बोन्स तो ये एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स सो वी हैव ऑल डिस्कस्ड कंप्लीटली थैंक यू